मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में गोले के मंदिर थाना क्षेत्र के कुंज बिहार कॉलोनी में रहने वाली एक महिला के साथ उसके मकान मालिक ने ही दुष्कर्म कर दिया। आरोपी मनीष सिंह वैश्य ने महिला को शादी करने का झांसा दिया था, जबकि महिला पहले से विवाहिता थी और उसके बच्चे भी थे। पता चला है कि कुंज बिहार कॉलोनी में रहने वाली ये महिला पूर्व में मनीष सिंह वैश्य के यहाँ भगत सिंह नगर में किराए से रहती थी। मनीष ने उसे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में महिला द्वारा दबाव बनाने पर उसने महिला के संग मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी भी दी। गोले का मंदिर पुलिस ने आरोपी मनीष सिंह वैश के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने के अलावा बलात्कार की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये कुंज बिहार कॉलोनी निवासी ये फरियादिया ने थाने पर आकर शिकायत की थी कि वह किराए से रहती थी, वहाँ पर उसके जो मालिक थे उनके द्वारा उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया गया। उसको बताया गया कि जबकि उसके फरियादिया के बच्चे भी थे, तो उसके द्वारा बताया गया कि बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लूँगा लगातार और मैं घर वालों को मनाकर शादी भी कर लूँगा, और लगातार उसका इस बात पर शारीरिक शोषण करता रहा। और फिर जब उसने बात कही तो फिर उससे बोला कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, जान से मारने की धमकी भी दी। जब महिला ने बार बार प्रयास किया गया लेकिन जब उसने नहीं माना तब आकर थाने पर महिला के द्वारा आकर गोले के मंदिर में शिकायत की गई, जिस पर IP सेक्शन 376 506 294 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया।